हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे ईईजी की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम। ठीक है, ईईजी स्टैंड्स इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम। और ईईजी क्या होता है? इट इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना जो है ईईजी के द्वारा किया जाता है। और एक साइंटिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट जर्मन के, जिनका नाम था हैंस बर्जर। उन्होंने सबसे पहले ईईजी वेव्स को एनालाइज किया था। ठीक है, इसीलिए जो ईईजी वेव्स हैं उनको बर्जर वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका सिग्निफिकेंस कि इसका महत्व क्या है, ईजी का यूज़ क्या है। तो ईजी इज़ यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्लीप। तो ईजी एक टेस्टिंग है जिससे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्लीप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे एपिलेप्सी, डिसऑर्डर्स ऑफ मिड ब्रेन यानी जो मिड ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं उनमें, और सब ड्यूरल हेमेटोमा। और सब ड्यूरल हेमेटोमा, इसमें जो सब ड्यूरल स्पेस होता है उसमें जो है ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी ईजी की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और स्लीप के लिए भी ईजी किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स नोन एज स्काल्प इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें स्काल्प इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड ओवर अनओपेंड स्कल्ड, जो स्कल होता है, ठीक है, स्काल्प होता है, हमारा हेड होता है, वहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है यानी वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हें स्काल्प इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट से अटैच रहते हैं और उनको अनओपेंड स्कल या ओवर ब्रेन, ठीक है, या वाई पियर्सिंग इंटू ब्रेन, या उनको ब्रेन में पियर्स करके लगाया जाता है, ठीक है, स्कल पर। फिर आता है वेव्स ऑफ ईजी। ईजी में कौन कौन सी वेव्स बनती हैं? तो नॉर्मल ईजी हैज़ थ्री फ्रिक्वेंसी बैंड्स, यानी उसमें तीन वेव्स होती हैं, अल्फ़ा रिदम, बीटा रिदम और डेल्टा रिदम। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं तो ईजी इन चिल्ड्रन शोज थीटा वेव्स, बच्चों में थीटा वेव्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो अल्फ़ा रिदम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 13 पर सेकेंड। ठीक है, और बीटा रिदम की होती है 15 से 80, और डेल्टा रिदम की 1 से 4, और थीटा वेव्स की 4 से 7। अल्फ़ा रिदम की जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 50, बीटा का 5 से 10, और डेल्टा का 20 से 200, और थीटा वेव्स का 10। ठीक है, तो ये थे इनके एम्पलीट्यूड। अब एक बार हम फिर से देखते हैं ईजी। ईजी स्टैंड्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईजी इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। ईजी क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता है ईजी। ठीक है, एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था हैंस बर्जर। उन्होंने सबसे पहले ईजी वेव्स को एनालाइज किया था और इसीलिए जो ईजी वेव्स हैं उन्हें बर्जर वेव्स भी कहा जाता है। फिर आता है इसका सिग्निफिकेंस। तो ईजी जो है वो यूज़फुल है इन द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्लीप। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और स्लीप के डायग्नोस में ईजी जो है वो यूज़फुल होता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एपिलेप्सी, डिसऑर्डर्स ऑफ मिड ब्रेन और सब ड्यूरल हेमेटोमा, ये तीन आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेनली आते हैं जिनको हम ईजी के द्वारा जान सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोड्स नोन एज स्काल्प इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड जिसे स्काल्प इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट से अटैच रहते हैं और प्लेस्ड और रखे जाते हैं अनओपेंड स्कल या ओवर ब्रेन, या ब्रेन के ऊपर वाई पियर्सिंग इनटू द ब्रेन। रहता है वेव्स। वेव्स मेनली चार होती हैं लेकिन तीन जो हैं वो एडल्ट में मिलती हैं, अल्फ़ा रिदम, बीटा रिदम और डेल्टा रिदम। ठीक है, और जो थीटा वेव है वो आपकी चिल्ड्रन में मिलती है। अल्फ़ा रिदम का जो फ्रिक्वेंसी है 8 से 13, बीटा की 15 से 80, डेल्टा की 1 से 4 और थीटा की 4 से 7। और जो अल्फ़ा रिदम की जो एम्पलीट्यूड है वो 50, बीटा का 5 से 10, डेल्टा का 20 से 200 और थीटा वेव्स का 10। ठीक है।